वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 काली कोयल कविता। चलिए गाते हैं हम लोग। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। ठीक है, कोयल का रंग कैसा होता है? काला। कोयल कौन से रंग की होती है? काले रंग की होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है। ये आम के पेड़ पर बैठी हुई है। ठीक है, तो उसकी बोली जो होती है वो बहुत ही मीठी होती है। और वो कहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे कि आम के पेड़ पर वो बैठी होती है और कूकती रहती है। हाँ, तो उसकी बोली से वो ऐसा आम बहुत मीठा होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि वो कूक कूक कर आमों को इतना मीठा बना देती है कि उसकी बोली की तरह ही वो आम भी मीठी हो जाती है। ठीक है, वो मिश्री घोली, आमों में मिश्री घोली, यानी मिश्री तो मीठी होती है ना, जैसे मिश्री आपने देखा है, खाया होगा ना, तो मिश्री कैसी मीठी होती है, वैसे आम भी मीठी हो जाती है उसकी बोली से। ओके, नेक्स्ट है, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो कोयल से पूछा जा रहा है कि कोयल कोयल आप बतलाओ, सच बतलाओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो। हाँ, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, और बहुत दिनों के बाद तुम फिर से आम की डाली पर, इस डाली पर आई हो। ठीक है, क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। कोयल रानी से पूछा जा रहा है कि तुम क्या गाती हो और गाना गाकर तुम किसे बुलाती हो, और इस धरती, जो प्यासी धरती है, तो तुम गाना गाकर मेघों से पानी मांगती हो। यानी जब बारिश होती है ना, ज्यादातर आप देखे होगे कि बारिश के मौसम में कोयल की आवाज सुनाई देती है, कोयल गाना गाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि तुम बताओ कोयल रानी कि तुम किसे बुलाती हो, क्या तुम मेघों से पानी मांगती हो, प्यासी धरती रहती है तो उसकी प्यास बुझाने के लिए क्या तुम मेघ, क्या होते हैं मेघ, मीन्स होते हैं बादल, तो बादल से पानी मांगती हो तुम बारिश होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है। कोयल से पूछते हैं कि कोयल क्या यह जो मिठास है, जो तुम्हारी मीठी बोली है, क्या यह तुम अपनी माँ से पाई हो, माँ ने ही क्या तुमको इतनी मीठी बोली सिखलाई है। हाँ, नेक्स्ट है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो क्या तुम्हारी माँ ने ही डाल डाल पर उड़ना गाना सिखाया है और सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें, क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया है। ठीक है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तुम बहुत ही भली हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, जो तुम अपनी माँ की बात सदा मानती हो, सदा मीन्स होता है हमेशा, तो हमेशा तुम हमेशा अपनी माँ की बात मानती हो, तुम बहुत ही भली हो, तो इसलिए तुमको चिड़ियों की रानी कहा जाता है। ठीक है, कोयल को चिड़ियों की रानी किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ की बात सदा हमेशा मानती है। ओके, इस कविता के कवित्री का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ यानी उसके मतलब। मिश्री, मिश्री मीन्स क्या होता है? चीनी की एक मिठाई। ठीक है, उसको मिश्री बोलते हैं, वो चीनी की तरह थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। संदेशा, संदेशा मीन्स खबर। ठीक है, मिठास, मिठास यानी मीठापन। भली, भली मीन्स अच्छी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे कुछ मौखिक प्रश्न है। फर्स्ट पे है, कोयल कैसी होती है? क्या होगा उसका उत्तर? कोयल काली होती है। ठीक है, सेकंड है, कोयल ने कूक कूक कर क्या किया? तो इसका उत्तर क्या होगा?
कोयल ने कुक कुक कर आमों में मिश्री घोल दिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे है मीठी बोली बोलने वाली किसी अन्य चिड़िया का नाम बताओ। तो आप बताइए, आपको पता है कि मीठी बोली कौन सी चिड़िया बोलती है कोयल के अलावा? बुलबुल। ओके, हाँ बुलबुल की भी बोली बहुत ही मीठी होती है। ओके, अभी आगे हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट पे है कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा? कोयल ने अपनी माँ से डाल डाल पर उड़ना तथा सबसे मीठा बोलना सीखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? कोयल अपनी माँ की बात हमेशा मानती है, इसलिए कोयल को चिड़ियों की रानी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। अभी आगे देखेंगे कविता के अनुसार नीचे दी गई पंक्तियों का सही क्रम लिखो। ठीक है, कविता में जैसे जैसे वो क्रम आया है वैसे वैसे उसके नंबर लिखने हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ वाक्य। फर्स्ट पे है बहुत बली हो तुमने माँ की, तो ये कब आया है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी प्यासी धरती देख मांगती, कोयल कोयल सच बतलाओ मीठी है इसकी बोली डाल डाल पर उड़ना गाना। ठीक है, ऐसे ये कविता लाइन से नहीं लिखी हुई है लेकिन आगे पीछे लिखी हुई है, तो आपको इसको जैसे जैसे कविता में ये आई है वैसे लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी आई है? मीठी है उसकी बोली, तो यहाँ पे हमने एक नंबर डाला, तो यहाँ एक नंबर डालना है आपको। फिर कोयल कोयल सच बतलाओ, तो यहाँ दो नंबर आएगा। ठीक है, प्यासी धरती देख मांगती तीन नंबर पे है। माने ही क्या तुमको मीठी, ये चार नंबर पर आएगा। डाल डाल पर उड़ना गाना पांच नंबर पे आएगा। बहुत भली हो तुमने माँ की, ये छह नंबर पे आएगा। तो ऐसे आपको नंबर लिख देने हैं। ठीक है, आगे है कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो ये यहाँ पे क्या और यहाँ पे है पानी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो ये अधूरी छूटी हुई जो कविता है आपको उसको पूर्ण करनी है। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। ठीक है, तो ऐसे लिखना है और आपको पूर्ण करना है पंक्तियां। आगे है समझो और लिखो। ठीक है, यहाँ पे है मिश्री सा मीठा। यहाँ पे देखिए आपको ये कोष्टक दिए गए हैं, इसमें से चुनकर ही आपको लिखना है काला मुलायम गरम ठंडा सफेद। तो उसमें मिश्री सा, मिश्री कैसा होता है? मीठा होता है। तो मिश्री सा मीठा, बर्फ सा, बर्फ कैसा होता है? ठंडा। तो बर्फ सा ठंडा, रुई सा मुलायम, तो यहाँ से चुनकर लिखना है आपको मुलायम। दूध सा सफेद, यहाँ सफेद। आग सा गरम, ठीक है यहाँ गरम दिया हुआ है। कोयले सा काला, ठीक है। तो ऐसे आपको ये लिखना है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? काली कोयल। कोयल कैसी है? काली है। तो कोयल की विशेषता क्या है? वो काली है। तो काली क्या है? विशेषण है। ठीक है, काली क्या है? विशेषण है। ये क्या है? कबूतर। तो सफेद कबूतर, कबूतर कैसे है? सफेद। ठीक है, तो ये क्या है? विशेषण है, सफेद विशेषण है। हरा तोता, तोता कैसा है? हरा है। ठीक है, तो हरा क्या है? विशेषण है। ठीक है, ऊपर लिखे गए काली सफेद और हरा शब्द अपने साथ के संज्ञा शब्दों की कुछ विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेषण किसके साथ जुड़े होते हैं? संज्ञा शब्द के साथ जुड़े होते हैं। हाँ, ये संज्ञा है, हमने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़ा था। कोयल कबूतर और तोता, ये क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ ही ये विशेषण जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कोयल पक्षी का नाम है इसलिए यह संज्ञा है। कोयल कैसी है? काली। यहाँ काली शब्द कोयल की विशेषता बता रहा है। कबूतर तोता भी संज्ञा है। जैसे कैसा कबूतर? सफेद। कैसा तोता? हरा। इस प्रकार काली सफेद हरा शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सभी विशेषण हैं। तो उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? विशेषण की परिभाषा,
संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ओके, अभी यहाँ देखिए विशेषण शब्द चुनकर लिखो। काली कोयल, तो अभी काली कोयल है तो आपको इसमें से विशेषण चुनना है, तो क्या है बताइए? काली, ठीक है, तो यहाँ काले लिख देंगे। प्यासी धरती, तो प्यासी आएगा विशेषण। काले मेघ, काले। भली कोयल, भली, ठीक है। मीठी बोली, मीठी, मीठी विशेषण है। शुभ संदेशा, शुभ। हरी भरी डाली, हरी भरी। मीठे आम, मीठे, तो ये सभी विशेषण है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कौन सी चीज कहाँ। आज रजत को लिखने का ऐसा शौक चढ़ा है कि उसने बहुत सारी चीजों के नाम लिख लिख कर डायरी भर दी। इनमें से कुछ नाम नीचे लिखे गए हैं। किताबें, कपड़े, जूते, मेवे, पेड़, गुब्बारा, चाकू, आम, शेर, भेड़िया, हल, बिल्ली, गौरैया, टमाटर, गाजर, चूहा, भालू, बंदर, संतरा, लीची, सेब। अब रजत सोच रहा है कि किस नाम को किस विभाग में लिखना चाहिए। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? अभी देखिए यहाँ पे पशु पक्षी, खाने का सामान, अन्य सामान, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नाम दिए गए हैं तो उतने नाम को आपको, पशु पक्षी जो हैं तो पशु पक्षी के कॉलम में लिखनी है, खाने का सामान है तो उसको इस कॉलम में लिखना है, और अन्य सामान जो है उसको इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो पशु पक्षी में क्या क्या आ जाएगा? शेर, भेड़िया, बिल्ली, गौरैया, चूहा, भालू, बंदर, ठीक है। खाने का सामान क्या हो गया? सेब, मेवे, आम, टमाटर, गाजर, संतरा, लीची। और अन्य सामान क्या हो गया? पेड़, किताबें, कपड़े, जूते, गुब्बारा, चाकू, हल, ठीक है, ऐसे लिखना है। आगे है पक्षियों को उनकी आवाजों से रेखा खींच कर मिलाओ। कौन से पक्षी कौन सी आवाज बोलते हैं वो उससे मैचिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये किसकी चित्र है? कोयल, कोयल की चित्र है। तो कोयल कैसे गाती है? कुहू कुहू। ये है कौआ, कौआ काउ काउ। कबूतर गुटर गु। मोर ट्याउ ट्याउ। तोता टें टें। और मुर्गा कुकड़ू कु, ठीक है। यहाँ पाठ 3 समाप्त होती है। आपको इसे नोटबुक पर लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, वंदे मातरम बच्चों।